pleasure to be here. I've had an association. I would say Gitanjali is, you know, has been like family to me. I've been with them right from when I was doing, you know, theater with my dad 5 years ago. It's really amazing to be here. And it's always a pleasure to walk the ramp as well in this beautiful outfit. Well, the Great Indian Wedding Carnival is, I would say, every girl wants to look beautiful on her wedding day, on her special day. And this is your one-stop shop to just be simply gorgeous on that special day. मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. It always feels, your every girl, I think, feels very beautiful and very glamorous to be dressed up as a bride. And I think ये जो colors हैं बहुत ही bright हैं. They're very young. They're very nice. I got luckily I had the opportunity and the privilege to choose my outfit. So I love any bright color. I love blues. I love greens. I love reds. So thank God कि ये combinations थे and I wore my favorite colors. वेल आई थिंक ये एक ब्राइडल आउटफिट है. बहुत ही यू नो बहुत सारा काम किया है इसके ऊपर. तो ऑब्वियसली देव स्पेंड लॉट ऑफ टाइम वर्किंग ऑन दिस आउटफिट. एंड आई जस्ट थिंक इट्स वेरी ब्यूटिफुल एंड ज़्यादा हैवी भी नहीं है. यू नो इट्स यंग. इट्स फॉर समबडी यंग लाइक मी. एंड इट्स गॉट अ ब्यूटिफुल फिट ऑल्सो. मुझे एक्चुअली वेस्टर्न ड्रेसेस ज़्यादा ही पसंद है. Unfortunately, I wish I could say Indian. मुझे इंडियन भी बहुत ही पसंद है. इंडियन क्लोथ्स, आई थिंक एवरी इंडियन वुमन लुक्स मोस्ट ब्यूटिफुल एंड द मोस्ट ग्लैमरस इन इंडियन क्लोथ्स. बट थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल है. सो इफ आई हैड टू चूज, आई वुड चूज शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड चप्पल्स. दैट्स व्हाट आई वुड चूज. कब तक मैं शादी करूँगी? सोचो ही मत. बहुत टाइम है. बहुत सारा टाइम है. मैनी मैनी ईयर्स. अगर आप आइडिया रखोगे तो आप पागल हो जाओगे. अच्छा है कि अगर आप कोई आइडिया नहीं रखते हो, यू डोंट थिंक के फ्यूचर में क्या होने वाला है. यू नो यू जस्ट गो. आई कॉल माई सेल्फ माई डेस्टिनी. यू नो आई एम डेस्टिनीज चाइल्ड. तो वट एवर हैपन्स टुमारो हैपन्स. आई डोंट प्लान इट. आई थिंक एवरीबडी शुड बी लाइक दैट. यू शुडंट प्लान कि मुझे इस साल ये साल में मैरिज करना है या ये साल में स्टार बनना है या ये साल में ये काम करना है. आई थिंक जस्ट गो विद द फ्लो एंड व्हेन लव हैपेंस इट हैपेंस. या कोई सोच, कोई प्लानिंग नहीं है उसके पीछे. आई एम अ ह्यूज सचिन फैन. या सचिन इज यू नो द मास्टर ऑफ एवरीबडीज हार्ट्स. तो I would say Sachin, and he is good in whatever he does. He's an honest man, and he's a fantastic sportsman. So Sachin all the way. Yes, Rekha too. I'm of course I'm in awe of Rekha. So I don't think I should be talking about her because I'm too junior. But of course I think both of them make amazing, wonderful human beings more than anything.